नमस्कार, प्रॉप गाइड शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्रीनिवास राउत। एनसीआर क्षेत्र में कंजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस समस्या से निपटने के लिए फिलहाल ही यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने 3,250 करोड़ रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया है। एनसीआर के आसपास अटके हुए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेसवे प्रमुख है। खुशी की बात यह है कि अब हमें ग्राउंड एक्शन कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस डेवलपमेंट के बारे में और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ है अंकुर धवन, चीफ बिजनेस ऑफिसर रीसेल एट प्रॉप टाइगर। हेलो मिस्टर धवन, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद श्रीनिवास। लंबे समय से अटके हुए द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेसवे के काम को पूरा करने के लिए अब दिल्ली और हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। तो इस एक्सप्रेसवे के आसपास के हाउसिंग प्राइसेस की बढ़ोतरी पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या जिन लोगों ने वहां पे घर लिया है उन्हें अब ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए? देखिए, अगर देखिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे की बात 2008 में शुरू हुई थी। 2008 के बाद 2011 में यहाँ पे पहली बार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जो कि इंडिया बुल्स ने शुरू किया था। कुछ चार पैचेज हैं जो बहुत मुश्किल में रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के। एक पैच जो गुड़गांव के पास आता है, जहाँ पर एक रेलवे ओवरब्रिज बनना था, उसका काम शुरू हो चुका है। दूसरा पैच है जहाँ पर एक मिल है, एक कंपनी है, जिसे मूव करना पड़ेगा, तो इस फैक्ट्री को मूव किया जा रहा है। तीसरा पैच था न्यू पालम विहार का, जहाँ पर कुछ 350 फैमिलीज़ हैं जिनका घर इस अलाइनमेंट पर आता था। उस पर भी रिसेंटली हाई कोर्ट का अच्छा फैसला आया है, जहाँ पे इनको नए घर दिए जा रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आज शुरू होने पर भी ये कम से कम 1 से 1.5 साल रिहैबिलिटेशन में लगता ही है और कंप्लीशन ऑफ रोड में लगेगा। अब रहती है चौथा पैच, जो कि दिल्ली साइड पे है, जो कि अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का पैच है। अभी जो डिस्कशन, आपने जिस मीटिंग की बात करी है, ये इसी पैच के लिए हुई थी, जहाँ पे गवर्नमेंट को कम से कम 25 एकड़ अक्वायर करना है। वहाँ पे जो रेट चल रहा है वो 40 करोड़ पर एकड़ है, उस हिसाब से 1,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। 1,000 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट इस पे खर्च करना चाहेगी, मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं होता। कुछ एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा दिल्ली के लिए। सच में पूछूं तो उनको इतना बड़ा एक फ़ायदा नहीं मिलता इस रोड को बना करके, जितना कि गुड़गांव को मिलता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को बैठ करके कुछ साझा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना ये रोड अभी भी मुश्किल में है। नेशनल कैपिटल रीजन की एक बहुत बड़ी समस्या है घर और ऑफिस के बीच की दूरी, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद पश्चिमी दिल्ली और गुड़गांव के बीच की दूरी लगभग 40% कम हो जाएगी, तो क्या इसका असर गुड़गांव के रियल एस्टेट के डिमांड पर भी पड़ सकता है? देखिए, ये एक रोड है जिसके बारे में बात काफ़ी टाइम से चल रही है। आपने कहा 40% दूरी कम हो जाएगी, दूरी तो नहीं कम होगी, बट 40% टाइम जो लगता है आदमी का कम्यूट करने में वो कम हो जाएगा। एक बहुत अच्छी रोड है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही है। जिस भी दिन ये कंप्लीट होगी, उस दिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके साथ में चलने वाले जितने भी सेक्टर हैं उनके रेट बहुत बढ़ जाएंगे। लगभग 42,000 घर एक्सप्रेसवे के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो घर खरीदने वालों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कानूनी विवादों में फंस सकते हैं? देखिए, ये सलाह देना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो वहाँ पे घर खरीदने वाले थे वो ज़्यादातर इन्वेस्टर थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स देखते हैं जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है प्राइसेस कम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ प्राइसेस बढ़ते हैं और वो उसका प्रॉफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो इन्वेस्टर रिस्क लगे रहा है, उसको रिस्क के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ख़त्म होना ना होना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, कभी टाइम पे होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो ऐसे बायर जो कि इन्वेस्टर थे उनको तो रिस्क की मालूम था, रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है कभी नेगेटिव भी हो सकता है। पर हाँ, अगर किसी ने रहने के लिए वहाँ पे घर लिया तो उसके लिए ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई है। घर रेडी हो चुका है, मेंटेनेंस शुरू हो चुकी है और आज के टाइम में वहाँ रोड नहीं है जिससे वो अपने ऑफिस तक कम्यूट कर सके, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। और उनके लिए मेरे पास यही सलाह है कि आगे से ध्यान रखें इस बात का, जब भी इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसके रिस्क को ले करके ही अपना कैलकुलेशन करें। धन्यवाद मिस्टर धवन हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद श्रीमान। आप देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।